الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد पिछले दर्स के अंदर बातें चल रही थी कुछ अशार से मुतालिक जो अशार की अबुल अला अल-मुअर्री के हैं। अबुल अला अल-मुअर्री मशहूर शायर असर अब्बासी का, उसी के बारे में बातें काफ़ी आ चुकी हैं। पहले हम पिछले दर्स के अंदर जो सबसे आखिरी शेर जो पढ़ रहे थे या जो आखिरी लाइन थी वो ये लाइन थी, वइन्नी वइन कुंतुल अखीरा ज़माना ज़मानुहु लआतिम बिमा लम तस्ततिहुल अवाइलु, वइन्नी वइन कुंतुल अखीरा ज़मानुहु लआतिम बिमा लम तस्ततिहुल अवाइलु। इसका माना ये था कि शायर के इसमें कह रहा है कि मैं अगरचे ज़माने के एतबार से बाद में आने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को करने वाला हूँ या ऐसी ऐसी चीज़ों को मैं कर रहा हूँ जिनकी इस्तेआत पहले के लोग नहीं रख सके या जिनको करने की ताकत पहले लोगों के अंदर नहीं थी। तो ये बात थी और इसे इशारा इस चीज़ की तरफ है, इसमें फ़ख्र है शायर भाई। फिर भी बात वही कि शायर ने अगर हम उसकी तसनीफ़ात को देखें, उसकी इल्मी खिदमात को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि वो माना भी मुराद हो सकता है कि उसकी इल्मी खिदमात इतनी ज़्यादा कि पहले के लोग उस जैसा नहीं ला सके, ये कहना चाह रहा हो, क्योंकि ये नाबीना था, इसने अपने आप को दुनिया और माफिया से अलग कर रखा था और लेकिन अपने आप को इल्म और मारिफत से नहीं अलग किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि इसकी जो है इल्मी खिदमात काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर जो इसने जो काम जो इल्मी की इसकी किताबें हैं और दूसरी चीज़ें कलाम है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लोगों ने ज़िंदगी भी कहा है और बहुत सारी डिटेल हैं जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ इदा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे शायर कह रहा है, इबारत में पहले पढ़ता हूँ चंद अशार की जिनको हम आज के दर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। शायर कह रहा है, वअख्दु वलौ अन्न सबाह सवारिम, وأغدو ولو أن الصباح صوارم وأسري ولو أن الظلام جحافل। इसके बाद आगे शायर कह रहा है, وإني جواد لم يحل لجامه ونسل يمان أغفلته السياقل। इसके बाद शायर कह रहा है कि फ़इन कान फ़ी लिब्स अल-फ़ता शरफ़ुन लहू फ़मा सैफ़ु इल्ला ग़िमदुहु वल-हमाइलु। काफ़ी अच्छे अशार हैं, मानी काफ़ी उम्दा है, इसके हिकमत भरी बातें हैं। इसमें कह रहा है शायर कि लोगों को मतलब इशारा करा कि ज़ाहरी चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए, ज़ाहरी चीज़ें ही किसी चीज़ की हकीकी खूबी नहीं होती हैं, बल्कि हकीकी खूबी उसके अंदर जो पिना अंदर जो उसके क्वालिटी छुपी होती है वो होती है। यहाँ पर शायर कह रहा है, पहले अल्फाज मानी हम इसमें हल कर लेते हैं, इसके जो है ये जो शायर कह रहा है, वो अख्दु वलौ अन्न सबाह सवारिम व असरी वलौ अन्न ज़लाम जहाफिलु, इसके मानी हम पीछे वाले दुरुस में जान चुके हैं, फिर भी जो है क्योंकि आज का दर्स है तो सरसरी तौर पर इसको जान लेते हैं क्योंकि समझने में बातें आसानी होगी। गदा यख्दु के माने होता है कि सुबह में चलना, गदा यख्दु बबे नसर इंसरों से, सबा सवारिम सारिम की जमा सवारिम और सवारिमु ये गैर मुनसरिफ है, लेकिन शेर की वजह से यहाँ पर ये मुनसरिफ आया हुआ है, नसर में ऐसा आता तो गलती शुमार होती। सवारिम इसका असली जो माना है सरमा, उसका माना होता है काटना, और चूँकि यहाँ पर तलवार को सारिम कहते हैं, सारिम की जमा सवारिम, और तलवार चूँकि काटती है उसीलिए उसको सारिम कहा जाता है। वह असरी और सारा यसरी के माने होते हैं रात में चलना, बाबे ज़रबा से है। वलौ अन्न ज़लामा जहाफिलु, जहफल की जमा जहाफिल, इसका माना है लश्कर। ये हो गया। इसके बाद आगे वाली जो लाइन है शायर इसमें कह रहा है, व इन्नी जवादुन लम युहल लिजामुहु। जी,
وَإِنِّي جَوَادٌ لَمْ يُحَلَّ لِجَامُهُ وَنَسْلٌ يَمَانٍ أَغْفَلَتْهُ السَّيَاقِلُ وَإِنِّي جَوَادٌ جَوَاد کے معنی سخی بھی ہوتا ہے، ان کے جواد کا معنی ہوتا ہے یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ ہے تیز رفتار گھوڑا، جواد تیز رفتار گھوڑا یہ معنی ہے یہاں پر اس کا، اور اس کی جماعت یہ ہے جیادن اجوادن اجاویدو، یہ اس کی جمع آتی ہیں جواد کی۔ اس کے بعد اگلا والا جو کلمہ ہے، نیکسٹ کلمہ ہے لم یحل، لم یحل یہ باب تفیل سے ہے، حل یحلی تحلیتن، یعنی کہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے کسی چیز کو سنوارنا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، حلہ اس کا معنی ہوتا ہے، حلہ یحلی تحلیتن، کسی چیز کو آراستہ کرنا، اے زرکشا یزرکشو مزرکشتن، تو یہ معنی ہو گیا یعنی کہ آراستہ کرنا، سنوارنا، خوبصورت بنانا، یہ معنی ہے۔ لجام واضح ہے اس کا معنی، لگام جمع لجومن اس کی آ جائے گی۔ اس کے بعد آگے شعر کریں ونسل یمان اغفلته السیاقل، کلمات سب کو معنی جانے کی ضرورت ہے۔ نسل، نسل کے معنی پھل، پھل کھانے والا پھل نہیں، نسل پھل کیا ہوتا ہے کہ جیسے نیزہ یا بھالا جو بھی ہوتا ہے، تو ایک تو پورا کا لمبا سا لکڑی ہوتی ہے، لیکن اس لکڑی کے ایک کنارے پر کیا ہے جو لوہا لگا ہوتا ہے، جو لوہا جو مطلب جس سے مارا جاتا ہے، وہی اسی کو پھل کہتے ہیں، وہی ہے نسل۔ تو نسل ان کے معنی پھل، اور تلوار کو بھی کبھی کبھی نسل کا اطلاق تلوار پر بھی کر دیتے ہیں، تو تلوار کا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ونسل یمان، تو تلوار کا معنی یہاں کر سکتے ہیں، اور نسل یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گی نسال نسول انصول، یہ کا ساری جمع اس کی آتی ہیں نسل کی۔ یمان، یمن کی طرف نسبت ہے، ملک یمن سے تعلق رکھنے والا کوئی چاہے شخص ہو، چاہے وہاں سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہو، تو اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یمنی بھی کہا جاتا ہے، یمنی یون اور یمنی یو بھی کہا جاتا ہے، تو دونوں طرح سے کیا ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یمنی اور یمنی، تو یمانی یعنی کہ جس کی نسبت یمن کی طرف، یعنی کہ یمن کا، تو یہاں پر نسل کی نسبت کیا ہے یمن کی طرف، یا نسل کو یمن کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تو نسل یمانی یعنی کہ ملک یمن کی تلوار، یا ملک یمن سے تعلق رکھنے والی تلوار۔ تو آگے والا جو کلمہ ہے اغفلتو، اغفلا یغفلو اغفالن، باب افعال سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ کسی چیز سے غافل ہو جانا، کسی چیز کو بھول جانا، کسی چیز سے بے توجہی برتنا، اغفلا۔ اس کے بعد ہے السیاقل، سیاقل یہاں یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے سیقلن، تو سیقل سیقلن، اگر ہم اس کی اصل پر جائیں گے تو اس کا جو اصل کلمہ آتا ہے سقلا، سقلا یسقلو، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چمکانا، جیسے کہ چاقو ہے، تلوار ہے، یا اس طرح اس پر جو زنگ لگ گیا ہو، اس پر جو مطلب بیدھار ہو گئی، تو اس کو چمکانا، اس کو تیز کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے سقلہ کا معنی۔ ایسے ہی تو اس لیے مصقول کہتے ہیں، مصقول وہ چیز جس کو چمکا دی گئی ہو، جس کو چمکا دیا گیا ہو، مصقول۔ اور اسے اسم فاعل آئے گا سقلہ یسقلو سے، ساقلن، ساقلن، اور اسی اسم فاعل کو ساقلن کو اگر ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اسم فاعل کے اندر مبالغہ کمانا ادا کرنا، اسم فاعل کے اندر مبالغہ کمانا پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو مبالغہ کے بہت سارے اوزان ہیں، ان اوزان میں سے کسی وزن کی طرف کیا ہے ہم اس کو منتقل کر دیتے ہیں، اس وزن کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی کیا گیا ہے، ساقل یعنی اس کی جمع، اس کو جو ہے سائقل کے وزن پر کر دیا گیا ہے، اور یہ سائقل کیا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، فیعل سائقل، اور اسی سائقل کی جمع ہے سیاقل اور سیاقلتن، یعنی کہ وہ سائقل کس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو تلواروں کو چمکاتا ہو، تلواروں پر دھار لگاتا ہو، تلواروں کو چمکاتا ہو، اس کو سائقل کہتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر آگے کہہ رہا ہے فَإِنْ كَانَ فِي لِبْسِ الْفَتَى شَرَفٌ لَهُ، لبس معنی پہناوا،
यानी कि जो पहनावा है, जो ड्रेस है, या जो भी चीज़ें हैं जिसको हम पहनते हैं, वही लिप्स है। फ़इनका नफ़ी लिप्स अल्फ़ता शरफ़ लहू फ़मस्सैफ़ु इल्ला ग़िमदुहु वल्हमाइलु। ग़िमद माने होता है मियान, जमा अगमादुन ग़ुमूद। मियान किसको कहते हैं? मियान कहते हैं कि वो चीज़ जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है। जब तलवार से लड़ाई नहीं की जाती है तो तलवार को रखने का जो एक होता है, यानी कि कपड़े का ऐसे उसी तलवार की साइज़ का ऐसे लंबा सा बना होता है, उसमें तलवार को रख लेते हैं, फिर लटका के कहीं भी चलते हैं। किसी को वो लगती नहीं, किसी से कोई उससे ज़ख्मी नहीं होता है, मतलब किसी से उसको किसी को उससे तकलीफ़ नहीं होती है। और जब उस काम पड़ती है तलवार से लड़ाई की, तो फिर उसे मियान से क्या है तलवार को खींच लेते हैं। ये होता है ग़िम्द। हमाइल हमीलतुन की जमा है ये, हमीलतुन, और इसकी जमा है हमाइल। हमाइल क्या होता है? हमाइल एक ऐसे पट्टा होता है जो आदमी क्या है एक कंधे पर होता है और एक सीने पर होता है, ऐसे इस उस पर एक पट्टा ऐसे आदमी लगाया रहता है, और उसी में क्या है तलवार को लटकाने का एक वो बना होता है, एक हिस्सा होता है कि उसी में तलवार को रखा जाता है, और तलवार क्या है उसी में से नीचे लटकती है। तो सीने पर और पीछे पीठ के साइड से होकर के ऐसे मतलब एक ऐसे पट्टा चौड़ा सा होता है, वही हमीला होता है, उसी को हमीलतुन कहते हैं। परतला इसे उर्दू में परतला कहते हैं, परतला या परतला। तो हमीलतुन की जमा हमाइल, इसके माने परतला। और परतला क्या होता है कि एक पट्टा एक कपड़ा होता है जो कि मतलब ऐसे सीने पर यानी कि एक कंधे पर, जैसे कि दाएं साइड पे जो कंधा है तो उसे कंधे पर होकर के और बाएं जो कंधा है उसके नीचे से होकर के ऐसे पीठ से होकर के ऐसे क्या है वो चलाता है, ऐसे इस पोजीशन पर रहता है, और सामने जो है सीने पर क्या है उस पट्टे के अंदर क्या है तलवार को लटकाने का मतलब उस जगह बनी होती है, उसमें तलवार को लटकाते हैं। तो ये जो सीने पर जो ये पट्टा है चौड़ा सा, इसी को कहते हैं हमाइल, जिसमें तलवार लटकी हुई होती है। तो तलवार एक तो मियान हो गई जिसके अंदर तलवार रहती है, और एक हो गया पड़तला या हमील है जिसके अंदर क्या है तलवार को लटकाया जाता है। तो ये चीज़ हो गई। मफहूम पर इसके आते हैं फिर उसके बाद, और बहुत दूसरी चीज़ें उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है शायर कह रहा है, वह अखदू वलव अनसबाह सवारी मुन व असरी वलव अनसलामा जहाफिलू। शायर कह रहा है, बहादुरी अपनी बहादुरी को दर्शा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि और मैं सुबह में निकलता हूँ अगरचे सुबह की रोशनी तलवारों की चमक से हो रही हो, और मैं रात में निकलता हूँ अगरचे तारीकी लश्करों की आने जाने से पैदा हो रही हो। यानी कि जो है शायर यहाँ पर अपनी बहादुरी को दर्शा रहा है, कह रहा है कि मैं दिन में भी क्या है अपने दिन में अगर मुझे कोई काम पड़ता है, मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ, कितने कठिन से कठिन क्या है हालात क्यों ना हो, मैं बहुत ही बहादुर इंसान हूँ, निकल पड़ता हूँ अपने काम को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। रात में भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं रात में भी क्या है निकल पड़ता हूँ, कितने भी परेशान कुन हालात बाहर क्यों ना हों। और वो हालात को उसको मतलब उसकी इंतहा को बता रहा है कि कितने ख़तरनाक, कह रहा है कि अगर बाहर ये जो सुबह दिन में जो ये उजाला दिख रहा है, अगर ये सूरज का उजाला ना हो बल्कि उसकी जगह पर तलवारों की चमक, तलवारें चल रही हों, लोग लड़ रहे हों, एक दूसरे को तलवारों से मार रहे हों, उसी तलवारों की जो चमक आ रही है उस तलवार का उजाला हो, और उससे क्या है ये सुबह जैसा मंजर अगर दिख रहा हो, यानी कि सुबह ना हो बल्कि उस सुबह की जगह पर ये तलवारों की चमक के उजाले से क्या है एक सुबह वहाँ पर क्या है बनी हुई हो, तो वहाँ उस वक्त भी क्या है मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या है निकल पड़ता हूँ। ऐसे ही रात में जो है अगर मैं रात में भी निकलता हूँ, और अगरचे ऐसा माहौल आ जाए कि जो रात की तारीकी है ये रात की तारीकी ना हो हट जाए, बल्कि क्या है लश्कर के लश्कर लड़ रहे हों, और लश्करों के लड़ने से जो गर्दोगुबार उड़ रही है वो तारीकी बनाए हुआ हो, तो ऐसी सूरत में भी क्या है मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकल पड़ता हूँ। यानी दिन के अंदर अगरचे जो है ये सुबह ना हो, हकीकी सुबह जो होती है वो सुबह ना हो, बल्कि तलवारों की उसकी जगह पर तलवारों की चमक से कोई रोशनी पैदा हो रही हो उसने ले ली हो, और ऐसे ही रात की तारीकी ना हो बल्कि उसके के लश्करों की जो है लड़ने की वजह से जो गर्दोगुबार से जो तारीकी होती है वो तारीकी उसने ले ली हो, तो इन हालात में भी क्या है मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है निकल पड़ता हूँ। तो अब उसके बाद आगे फिर शायर कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक बहुत ही अजीम इंसान हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हूँ, बहुत ही खूबियों फजीलतों अच्छाइयों का मालिक हूँ, लेकिन लोगों ने मेरी कदर नहीं की,
जैसे कि इसको मैंने जो है पीछे भी इसके बारे में जब बात चल रही थी तो इसके बारे में वहाँ पर आ चुका है कि ये मतलब लोगों की जाने से भी इसको काफ़ी तकलीफ पहुँची, शायद नाबीना था, फ़क्र फ़ाक़ाकशी से मतलब दो चार था, और ये बगदाद के अंदर गया हुआ था, वहाँ पर भी लोगों ने इसको काफ़ी परेशान किया था। इससे कहा ना कि इसके अंदर काफ़ी जहानत, जकावत और तमाम खूबियों से क्या है ये लैस था, लेकिन लोगों ने क्या है इसको बहुत परेशान किया, बहुत इसको ज़्यादा सताया और इसकी कदर नहीं की। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वह इन्नी जवाद लम युहल्ल लिजामुहु वनसलुन यमान अगफलतु सयाकिलु, तशबीह के तौर पर कह रहा है कि वह इन्नी जवादुन और मैं वो तेज़ रफ्तार घोड़ा हूँ, वह इन्नी जवादुन और यकीनन मैं जवादुन एक ऐसा तेज़ रफ्तार घोड़ा हूँ या वो तेज़ रफ्तार घोड़ा हूँ, लम युहल्ल लिजामुहु, जिसके लगाम को खूबसूरत नहीं बनाया गया है, यानी कि जिसके लगाम को क्या है सोने या चांदी का नहीं बनाया गया है। अगर घोड़ा बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अच्छा होता है, तो ऐसे उसकी लगाम को भी क्या है उसी की हैसियत के अतबार से क्या है बनाया जाता है सोने चांदी और इस तरह की चीज़ों से। लेकिन कह रहा है कि मैं के तेज़ रफ्तार घोड़ा तो हूँ, लेकिन लोगों ने क्या है मेरी मिसाल उस तेज़ रफ्तार घोड़े की है जो तेज़ रफ्तार तो है, लेकिन लोगों ने क्या है उसकी कदर नहीं की, उसकी लगाम को क्या अच्छा नहीं बनाया, उसके जो है बिल्कुल अच्छा उसके साथ बर्ताव नहीं किया, जैसे उसकी कदर करनी चाहिए थी उसकी कदर नहीं की। तो अपने आप को यहाँ पर क्या है एक तेज़ रफ्तार घोड़े से तशबीह दे रहा है, जिस तेज़ रफ्तार घोड़े की मतलब लगाम को मतलब खूबसूरत ना बनाना, मतलब क्या है उसकी जो है कदर ना करना, इससे किनाया है, इशारा कर रहा है। तो एक घोड़ा है जो कि तेज़ रफ्तार है और लेकिन उसके बावजूद भी उसकी लगाम अच्छी नहीं लगाई गई है, एक घटिया टाइप की लगाम लगाई गई है, तो इससे अपने आप की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक हूँ, मैं बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हूँ, लेकिन लोगों ने क्या है मेरी कदर नहीं की, जैसे उस घोड़े की कदर नहीं की गई है, क्योंकि अगर उसकी कदर की जाती तो ज़रूर उसको जो लगाम पहनाई जाती वो सोने या चांदी की होती, क्योंकि वो घोड़ा बहुत ही तेज़ रफ्तार है। बातें क्या है थोड़ी ऐसी हैं तो मतलब तशबी वाली हैं, तशबी दे रहा कैसे करे कि वह इन्नी जवाद लम युहल्ल लिजामुहु, और मैं एक ऐसा घोड़ा हूँ जिसकी लगाम को आरास्ता नहीं किया गया है, जिसकी लगाम को खूबसूरत नहीं बनाया गया है, जिसकी लगाम को सोने या चांदी से सजाया सजाया नहीं गया है। तो ये माना है वनसलुन यमानिन अगफलतु सयाकिलु, और मैं वो यमनी तलवार हूँ या मेरी मिसाल उस यमनी तलवार की जैसी है जिसको सैकल करने वालों ने, जिसको तलवारों को चमकाने वालों ने छोड़ दिया है, जिसको तलवारों को चमकाने वाले जिससे क्या है गाफिल हो गए हैं, यानी कि जिसको तलवारों के को चमकाने जिससे क्या है तलवारों के चमकाने वाले लोग गाफिल हो गए हैं। ये माना तो वनसुल यमानिन अगफलत हूँ असयाकिलो, और मैं वो तलवार हूँ, वो यमनी तलवार हूँ, यमनी तलवार यानी कि अच्छी तलवार मानी जाती है, जैसे यमन सैफुन हिंदी कहते हैं हिंदुस्तानी तलवार जो हिंदुस्तान की बनी हुई हो, तो इससे तलवारों की वह नस्बत की जाती है। तो कह रहे कि वनसल यमानी और मैं क्या हूँ यमनी तलवार हूँ अगफलत हूँ सयाकिलो, जिसको तलवारों को चमकाने वाले लोगों ने छोड़ दिया है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। तो यहाँ भी एक तरह से तशबीह है कि यमनी तलवार एक अच्छी तलवार होती है, ज़बरदस्त तलवार होती है, मतलब लड़ाई में बहुत ज़बरदस्त काम करती है, लेकिन अगर कोई मतलब सैफल तलवारों को चमकाने वाला, उसको सही से सही करने वाला, अगर क्या है उसको उसकी तरफ ध्यान ना दे तो ये क्या दर्शाता है, दर्शाता है कि बावजूद कि तलवार यमनी है, अच्छी है, क्वालिटी उसके अंदर अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसकी तरफ कम हक को ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ भी अपने आप को तशबीह दे रहा है उसी यमनी तलवार से। इसके बाद शायर कह रहा है कि फ़ैनका नफी लिब्स अल्फ़ता शरफ़ुन लहू फ़मा सैफ़ु इल्ला गिंदुहु वल हमाइलु, और कह रहा है कि लोग अपने आप को तरफ इशारा कर रहा है कि मैं अंदर से बहुत बहुत सारी सिफात के मालिक हूँ, बज़ाहिर गर्चे मतलब बज़ाहिर दिखने में क्या है मैं क्या है ना बज़ाहिर को है वो नाबीना है, बज़ाहिर अगर उसका पहनावा नहीं कर खुरदुरे कपड़े पहनता था, शादी नहीं की थी, बहुत सारी चीज़ें, तो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें देख करके अगर लोग फैसला करते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ तो ये काफ़ी बुरा फैसला है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर ही सब कुछ नहीं होता है, जाहिर से कोई किसी चीज़ को हम जो है डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जाहिर ही को देखना है तो तलवार की फिर क्वालिटी को नहीं देखा जाता कि तलवार, हालांकि तलवार पर जब तलवार के बारे में जब फैसला किया जाता है तो उससे तलवार की मतलब कितना वो मैदान में काम करती है, कितना दुश्मनों को मारती है, ये उसकी क्वालिटी ये देख करके कहा जाता है कि तलवार अच्छी है बुरी है, तलवार किस अच्छे में किस मियान के किस कौन से कपड़े में क्या रखी हुई है ये उसका कपड़ा डिसाइड नहीं करता कि तलवार कैसी है, या वो जिसमें तलवार लटकाई गई है वो जो परतला है उससे तलवार के बारे में डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये शायर कह रहा है कि फ़ इन कान फ़ी लिब्स अल्फ़ता शरफ़ुन लहू, अगर नौजवान के पहनावे में
अगर नौजवान के पहनावे में उसके लिए कोई फजीलत होती, फमसैफ इल्ला गिमदुहु वल फदाइलु, तो तलवार ना होती मगर ये कि उसका परतला और उसका जो है मगर ये कि उसका मियान और उसका परतला, तो तलवार ना होती मगर ये कि उसका मियान और परतला, ये लफ्ज़ी माना होगा, यानी कि तलवार की वैल्यू ना होती मगर ये कि उसके उस मियान के ज़रिए से और उसके उस परतले के ज़रिए से, जो जिस मियान के अंदर वो तलवार होती है और जिस परतले में क्या है वो तलवार लटकाई हुई होती है। तो यहाँ भी क्या है शायर क्या है अपनी एक तरह से क्या है फजीलत को बता रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह फिर अगर टाइम रहा तो उसको पढ़ेंगे ना फिर जो है आगे दर्ज की तरफ मुंतकिल होंगे।